आज मैं फिश करी बनाने का एकदम नया अलग और बहुत ही अमेजिंग तरीका लेकर आई हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आप फिश करी जिनको भी बनाकर खिला देंगे ना, हर कोई आपका तारीफ करते नहीं थकेगा और उंगलियों के साथ पूरी प्लेट भी चाट जाएगा, इसकी गारंटी देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो फ्रेंड्स वीडियो फुल देखिएगा। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना किचन में। तो फिर देरी किस बात की, चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 750 ग्राम कातला फिश लिया है। फिश को मैंने अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। इसके जगह पर आप कोई भी फिश ले सकते हैं, जैसे पॉम्फ्रेट, सुरमई या फिर रोहू फिश, या फिर जो भी फिश आप खाना पसंद करते हैं वो फिश आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा करके ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को मैंने अच्छे से छिल करके धो लिया है। अब मैं कर रही हूँ प्याज की कटिंग। तो प्याज को हमें ना इस तरीके से देखिए रफली चॉप कर लेना, ना तो ज़्यादा इसे बारीक करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। ऐसे मीडियम साइज के पीसेज में इसे कट कर लीजिएगा। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है मीडियम साइज का है, इसे भी मैंने अच्छे से धो करके रख लिया है। तो सबसे पहले टमाटर को हम 2 भाग में कट करेंगे, फिर इसका बीच वाला ये पोर्शन है ना कट करके हटा देंगे, फिर इसे भी ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। तो आज मैं आपको जिस तरीके से फिश करी बनाना बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज से पहले आपने शायद ही कभी बनाकर खाया होगा। एकदम बहुत ही यूनिक और सिंपल रेसिपी है, और इस रेसिपी को आप वेट लॉस के लिए या फिर डॉक्टर ने आपको तेल मसाला मना किया है खाने के लिए, कम कहा है खाने के लिए, तो बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी रेसिपी है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली आप बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा हेल्थ है उसके बाद सब कुछ है। तो इस रेसिपी में मैंने एकदम हेल्दी तरीके से फिश करी बनाना बताया है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को रफली चॉप करके मिक्सर जार में डाल करके पेस्ट बना लिया है। फिर मैंने प्याज टमाटर वाले पेस्ट को बाउल में निकाल करके साइड में रख लिया है और जार को खाली कर लिया है। उसी जार में डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच कटे हुए अदरक के टुकड़े, 10 से 12 छीली हुई लहसुन की कलियाँ, और 2 चम्मच इसमें डालेंगे मोटे दाने वाला काला सरसों। काले सरसों की जगह पर आप चाहें तो पीला सरसों यूज कर सकते हैं, पर काला सरसों बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आता है इसमें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद कर मसालों को पीस लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाले पीस चुके हैं। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, मसालों को हमें इस तरीके से एकदम महीन पीसना, मतलब मसालों का हमें ना ऐसे एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अभी इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई में या फिर कोई भी बर्तन में आप ले लीजिए 1 से 1.5 गिलास पानी, और पानी को हल्का सा गर्म होने दीजिए, मतलब पानी को ना हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, हल्का सा गुनगुना होने तक इसे गर्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी में हल्का सा बबल्स आ गए हैं, तो बस हमें इतना ही पानी को गर्म करना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, और नमक को अच्छे से पानी में मिला लेंगे। तो यहाँ पे नमक को मैंने अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फिश के पीसेज। अब हम क्या करेंगे, नमक वाले पानी में इसे 10 से 12 सेकेंड्स तक इस तरीके से डूबे रहने देंगे। ऐसे हल्के हाथों से हिलाते रहिएगा स्पैचुला के हेल्प से, ताकि इसमें जो भी स्मेल हो या फिर इसकी गंदगी हो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, एकदम पूरी तरह से ये साफ हो जाए। वैसे तो फिश को मैंने अच्छे से पहले ही धुल करके रख लिया था, लेकिन फिर भी नमक वाले पानी में इस तरीके से इसे डुबा करके कुछ सेकंड तक रखने से ना इसका जो भी थोड़ा बहुत स्मेल बचा रहता है ख़त्म हो जाता है, और फिश हमारी बहुत अच्छी लगती है खाने में, और इसकी जो भी थोड़ा बहुत गंदगी रहती है पूरी तरह से पानी में आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखिए सारे फिश को निकाल लिया है, और इसकी देखिए सारी गंदगी पानी में रह गई। तो ये वाला प्रोसेस ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे फिश को निकाल लिया है, अभी इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 चम्मच तेल। तो अगर आप इससे भी कम तेल करना चाहते हैं ना, मतलब इस करी को बनाने के लिए, तो जितना आपको कम तेल लगेगा कम कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने पर इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेला, और 1/2 चम्मच सौंफ। इन दोनों को हल्का सा भून लेंगे। कलौंजी और सौंफ इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लेकर आता है। ये दोनों जैसे ही हल्के से भून जाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर का पीसा हुआ पेस्ट, जिसको हमने पीस कर साइड में रखा था। अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि तेल हमने इसमें कम डाला है ना, तो इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है, तभी इसका कच्चा फ्लेवर अच्छे से ख़त्म होगा। तो 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो मैंने इसे ढक करके पकाया था ताकि इसके छींटे ऊपर ना आए, और ये देखिए खूब अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सरसों वाला मसाला पेस्ट, जिसको हमने पीस कर रखा था, मतलब अदरक लहसुन हरी मिर्च और सरसों वाला मसाला पेस्ट। जार में थोड़ा सा पानी डालकर क्लीन करते हुए इसी में ऐड कर लेंगे, इन मसालों को वेस्ट नहीं करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब इसे ढक करके फिर से हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इन सभी चीज़ों का कच्चा फ्लेवर खूब अच्छे से निकल जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन सभी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है,
और इन सभी का कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखिए तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मसालों को भूनिएगा, तभी आपकी फिश करी सुपर डुपर डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी प्रोसेस से आप मसालों को भूनिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई मसाले, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है और इससे करी में कलर बहुत अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसमें दो चम्मच पानी डालकर मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें मसालों को भुनना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर मसालों को भुनेंगे ना तो मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे और करी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को ढक करके 8 से 10 मिनट तक और भुनेंगे। जितने बढ़िया से आप मसालों को भुनेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा आपकी करी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसमें हमने तेल का इस्तेमाल कम किया है ना, तो इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ हमें मसालों को भुनना होगा, तभी हमारा जो मसाले हैं ना अच्छे से पकेंगे, इसमें स्वाद आएगा और इसका कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना, आपको बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते हुए मसालों को भुनिएगा, ताकि मसाले चारों तरफ अच्छे से भुने और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं। तो 8 से 10 मिनट हो गए मुझे मसालों को भूनते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाले हमारे खूब अच्छे से भुन गए हैं। इसमें से ना इस टाइम बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और जब मसालों को मैं चला रही हूँ तो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहे हैं, इसका मतलब मसाले हमारे खूब अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, बस 1 कप ही पानी डालिएगा। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी मतलब ठीक है, उसी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी हमें रखनी है। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे ग्रेवी ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ग्रेवी का। अच्छे से मिलाकर गैस का फ्लेम हाई करके इसमें 1 उबाल आने तक वेट करिए, उसके बाद इसमें फिश डाल दीजिए जिसको हमने उबाल कर रखा था, मतलब जिसको हमने नमक वाले पानी में उबाल कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, फिश को अच्छे से ग्रेवी में डुबा देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिश के ऊपर ग्रेवी लिपटी हुई है। तो बस पानी 1 कप ही डालिएगा, क्योंकि फिश में से भी मॉइस्चर रिलीज होगा और एकदम परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होगी। अब इसे ढक कर लो फ्लेम पर 15 से 17 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, ताकि फिश हमारी चारों तरफ बढ़िया से कुक हो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं। तो फिश को हमने फ्राई नहीं किया है ना, तो इसलिए हल्के हाथों से चलाइएगा, नहीं तो फिश हमारी टूट जाएगी। फ्रेंड्स एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसे क्लिक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सुपर डुपर डिलीशियस रेसिपीज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 15 से 17 मिनट हो गए मुझे इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए, और ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारी सुपर से भी ऊपर टेस्ट वाली एकदम परफेक्ट ग्रेवी वाली हेल्दी फिश करी बन के रेडी है, एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में। ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और ऐसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हरा धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सुपर से भी ऊपर टेस्ट वाली, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली फिश करी एकदम हेल्दी तरीके से। तो देखिए ना फ्रेंड्स, इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इसका स्वाद वाओ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस के लिए डाइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आपको डॉक्टर ने तेल मसाला कम कहा है खाने के लिए मना किया है, तो इस फिश करी को बनाकर खा सकते हैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें तेल मसालों का यूज कम किया है। इस फिश करी को कोई भी बनाकर खा सकता है, ऐसा नहीं है जो वर्कआउट एक्सरसाइज या फिर जिनको डॉक्टर ने तेल मसाला कम कहा है खाने के लिए मना किया वही खाएं, कोई भी बनाकर खा सकता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और सुपर डुपर डिलीशियस लगता है इसका टेस्ट। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक सुपर डुपर डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।